हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सो हैप्पी टुडे क्योंकि मेरी एक वीडियो है उस पर 1000 व्यूज़ क्रॉस हो चुके हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप लोगों के लिए चैलेंज ये है कि जिस व्यूअर ने, मतलब जिस सब्सक्राइबर्स ने फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताया कमेंट करके कि ये वाली वीडियो आपकी है, इस पर आपने किए हैं, मेरी सारी वीडियोज़ आपको देखनी है और आपको फिर पता चल जाएगा कि वो कौन सी वीडियो है जिस पर 1000 व्यूज़ क्रॉस हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा थैंक यू मैं कहना चाहती हूँ उन लोगों को जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, मेरी वीडियोस देखते हैं, और जिन लोगों ने भी मतलब जिस जिस इंसान का एक एक व्यू है उनके लिए भी थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे स्क्रीन पर मैंशन हो रहा है मेरा अकाउंट। ओके, तो आज की वीडियो में मामा मेरी जो हैं वो, ये मामा की रेसिपी है, झटपट आपने जो है घर में टिक्के बना सकते हैं। किस तरह, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गोश्त को कट किया और उसके बाद उसको वॉश कर लिया अच्छी तरह, ठीक है, उसको क्लीन किया गोश्त को, और फिर उसके बाद हमने लिया चिकन टिक्का मसाला का। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास बीफ टिक्का मसाला नहीं था। आप लोगों के पास अगर आप लोग बाय करने जाओ तो आप बीफ टिक्का मसाला लेना, क्योंकि ये मीट है, ठीक है, चिकन नहीं है। इसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो गया था क्योंकि इससे पहले हमने बीफ टिक्का मसाला डाल के जो बनाया था तो बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आया था, तो इसलिए आप लोग भी वही यूज़ करना। हमने सबसे पहले इसमें ऐड कर दिया चिकन टिक्का मसाला, लेकिन आप लोगों को बीफ टिक्का अच्छा भाई। उसके बाद हमने इसमें ऐड किया था मसाले, कुछ घर के जो मम्मा के रेसिपी के मसाले हैं। अगर आपको जल्दी से कोई डिश बनानी है ना, बारबेक्यू, मतलब आपके पास मीट अवेलेबल है, आप घर में बना सकते हो प्रेशर कुकर में, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च डाल दी थी, यानी कि इसमें हमने 1 टेबल स्पून डाली थी, ठीक है। आप अपने टेस्ट के लिहाज से जितनी मिर्च आप खाते हो वो डाल दो, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने सॉल्ट ऐड किया था, लेकिन सॉल्ट ना हमने थोड़ा ज़्यादा ऐड हो गया था, क्योंकि मसाला जो होता है उसमें सब चीज़ें ऑब्वियसली बात होती है, तो हमने सॉल्ट यहाँ पर कम डालिएगा। और फिर हमने हल्दी डाली थी, ठीक है। फिर हमने 1 से 1.5 चम्मच यानी 1.5 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड किया था लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। फिर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह कर दिया मिक्स, ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो गई अच्छी तरह। फिर प्रेशर कुकर की फ्लेम ऑन कर दी मैंने, जैसे अभी वीडियो में दिखाया था। फिर यहाँ पे मामा इसको मिक्स कर रही हैं अच्छी तरह, और ये इतना जूसी हो जाएगा ना, इतने जूसी और मसाले वाले टिक्के हो जाएंगे कि आप जब खाएंगे इसे बना के तो आप लोग भी बोलेंगे कि इतने मज़े का डिश था ये। मतलब मेरी मामा की रेसिपी है, मामा इसी तरीके से जल्दी बना लेते हैं अगर हमने बारबेक्यू नहीं करना होता ना, मतलब उस पर क्या कहते हैं उसे, मतलब सीखों वाला नहीं करना होता तो हम इस तरह घर में बना लेते हैं अगर दिल चाह रहा होता खाने का। ओके, यहाँ पर प्रेशर कुकर की फ्लेम मैंने स्लो कर दी, वो हीट अप हो गया था, और फिर उसमें मैंने ऑयल ऐड किया। ऑयल हम यहाँ पर वनस्पति यूज़ कर रहे हैं कुकिंग ऑयल, और फिर ज़्यादा मैंने थोड़ी सी और स्लो करी ताकि ना अच्छी तरह गर्म हो जाए। उसमें मम्मा ने ना फिर ज़ीरा ऐड किया, 1 छोटा टीस्पून ऐड किया हमने ज़ीरा, ठीक है। उसके बाद जब ज़ीरा अच्छी तरह फ्राई हो जाए, उसके बाद आपने ये सारा जो आपका मटेरियल है ना, आपने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। इस तरह से आप सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दो, जब तक ये ऐड हो रही है आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और एक गुड न्यूज़ और है कि मैं यहाँ पर जब मेरे इंशाल्लाह 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं वो शो करा दूँगी, ठीक है। अब मैंने हाइड किया अपने सब्सक्राइबर्स तो आप लोग को पता नहीं चलते होंगे। और ये भी एक चैलेंज है कि जिस व्यूअर ने, जिस सब्सक्राइबर्स ने बताए ना, गैस करके कि मेरे अभी कितने सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब कितने गेन किए हैं मैंने, तो आप जिसने वीडियो में बताया मेरी इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, ठीक है। जिसने सबसे पहले आंसर दिया उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में नेम लेके बहुत सारा थैंक यू कर लूँगी, ठीक है। ओके, यहाँ पर इसको अच्छी तरह हमने कर दिया मिक्स, ठीक है, ऑयल के साथ। जितना अच्छा तरह से मैश होगा, मिक्स होगा, उतना अच्छा आपका डिश तैयार होगा, ठीक है। इसको हमने फिर 1 कप आपने वाटर लेना है, ठीक है, फिर इसमें ऐड कर दो 1 कप वाटर। उसी वाटर में ना ये सारी चीज़ें गल भी जाएंगी और बहुत जूसी टिक्के होंगे आपके, मतलब टिक्के की जो बोटियाँ होती हैं ना वो बहुत जूसी जूसी होंगी, मतलब ठीक है, सूखी सूखी मतलब जो होती है ना वो नहीं होंगी, ठीक है। फिर हमने उसमें ऐड करने के बाद ना हमने इसमें चाट मसाला लिया नेशनल का, वो ऐड किया था, ठीक है। और आप इसकी क्वांटिटी मतलब आप अपने टेस्ट के लिहाज से कर सकते हो। यहाँ पर मम्मा अंदाजे से डालनी है, वैसे ये 1 से 1.5 चम्मच ही होगा, मतलब 1.5 टेबल स्पून हमने नेशनल का चाट मसाला ऐड किया था, ठीक है। और इन सारे मसालों को मिक्स करके अच्छी तरह, देखो बॉयल आना शुरू हो गया है, इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने प्रेशर कुकर
कर दिया था बंद, ठीक है, और उसको 15 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया था, मतलब लो फ्लेम पे या तेज़ फ्लेम पे, सॉरी लो फ्लेम पे नहीं, तेज़ फ्लेम पे आपने 15 मिनट तक प्रेशर कुकर पे ये कुक करना है, ठीक है। इसको मम्मा अच्छी तरह मिक्स कर रही हैं चाट मसाला, ताकि उसमें सब में मिक्स हो जाए अच्छी तरह, और फिर उसके बाद हमने ये बंद कर दिया कुकर 15 मिनट्स के लिए, ठीक है। फ्लेम देख लो फुली है, मतलब फ्लेम ना, और ये अब कुक हो जाएगा, उसके बाद हम इसको खोलेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना लजीज इसका टेक्सचर आया है, कितना अच्छा टेस्ट होगा। जब आप इसको बना के खाओगे तो आपको पता चलेगा। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये रेसिपी शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। जितना शेयर करोगे उतना अच्छा होगा, और आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। मैंने आप लोग मतलब आप लोग इतने अच्छे हो ना यार, सब्सक्राइब कर देते हो, मतलब मैं बोलती हूँ और सब्सक्राइब हो जाता है मेरा चैनल ना, मतलब 2-3 सब्सक्राइबर्स हर वीक मेरे बढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें। और ये देखें रेसिपी तैयार हो चुकी है, इतने मज़े के टिक्के बने हैं ना, इतने लजीज टिक्के बने हैं। ये मेरी मामा की अपनी रेसिपी है। अगर आप लोगों को कोई भी आप लोग चाहते हो कि मैं उस पर रेसिपी या वीडियो अपलोड करूं, तो आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। मैं उस पर वीडियो बना दूंगी और इंशाल्लाह अब रेगुलर वीडियोस आएंगी, क्योंकि अब मैं फ्री हूं और मेरे पेपर्स हो चुके हैं। मैंने सैलड के साथ ये सर्व किया था, और हमने केचप और मेयोनेज भी इसके साथ मिला के खाया था। आपकी मर्ज़ी, आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हो, ऐसी भी खा सकते हो, ठीक है, स्पून से बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा जी, तो अब ये दोनों टास्क मैंने आप लोगों को दे दिए, और जिस व्यूअर ने सबसे पहले कमेंट किया होगा ना, हो सकता है कि मैं उसको कुछ गिव अवे भी दे दूँ और कुछ गिफ्ट भी उसको मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।